अरे ये क्या है? एक बार तो मुझे लगा था कि ऑक्टोपस जमीन फाड़ के अंदर जा रहा है, पर जब मैंने इसे ध्यान से देखा तब लगा कि ये कोई जमीनी ऑक्टोपस नहीं, बल्कि ये तो मशरूम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसे फंगस भी हो सकते हैं। इस दुनिया में बहुत ही अलग अलग तरह के और कई प्रकार के विचित्र पेड़ पौधे और फूल पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ इतने अजीब होते हैं जिन्हें देखकर विश्वास नहीं होता कि क्या ये वास्तविक है या किसी कलाकार ने इसकी रचना की है। क्योंकि दोस्तों, इन फूलों और पौधों के देख के आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब दिखने वाले फूल और प्लांट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। इस फूल को देखने के बाद दिमाग ये कहता है कि हाँ, यही है दुनिया का सबसे बड़ा फूल। क्योंकि दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आप ये जान जाइए कि ये जो फूल की लंबाई है आपके शरीर से 2 गुना है, ये आपके शरीर के कद से 2 गुना ज्यादा लंबाई है इस फूल की। पर इस फूल में एक बात है, ये इंडोनेशिया में पाए जाने वाला फूल काफी ऊंचे हद तक बढ़ते हैं। अगर आप इस फूल का स्मेल सूंघ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो आपके सामने कोई जीव मर गया हो और वो सड़ रहा है धीरे धीरे। इस फूल का महक यानी कि इसका गंध ऐसा ही आता है। जब मैंने दूर से इस पेड़ को देखा तो मेरे को लगा कि जैसे पेड़ उल्टा खड़ा हो, इसके जड़ें जमीन से उखड़ के आसमान की तरफ जा रही हूँ। पर जैसे मैंने इसको जूम करके देखा, थोड़ा ध्यान से देखा, और आप भी देखो, फिर पता चला ये पेड़ तो सीधा है। इन पेड़ों की लंबाई 30 मीटर ऊंची हो सकती है, और जो इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई सुन के तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इसकी चौड़ाई तकरीबन 11 मीटर तक हो सकती है। दूर से देखने के बाद तो यही लगता है कि पेड़ के जो जड़ हैं वो ऊपर हैं और तने जो हैं वो नीचे हैं, पर ये असल में सीधा ही है। जब मैंने इसे झटके से देखा तो जैसे लगा चमगादड़ है, पर अब विश्वास हो गया ये चमगादड़ नहीं, फूल है। तो दोस्तों, ये कोई ब्लैक बैट नहीं है, बल्कि ये तो एक फूल है। और जरा इसे आप देखिए, जब मैंने इसे देखा था तो मेरे को लगा था कोई एलियन हमसे कुछ मांग रहा है, पर हमारे पास है क्या उनको देने के लिए। फिर मैंने जरा इसको जूम करके देखा, ध्यान लगा के देखा, फिर पता चला ये तो फूल है। पर जैसा भी है, बड़ा ही अजीब है। मुझे तो फूल कम और एलियन ज़्यादा दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है देखने में, कॉमेंट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये क्या है? किसी बाज का पंजा, किसी बड़े से चिड़िया का पंजा, या फिर इंसान का हाथ, या फिर अंगुलियां? क्योंकि यह एक तरह का नींबू है। जी हाँ, असल में यह एक नींबू का प्रजाति है, लेकिन यह गोल नहीं होता, यह काफ़ी खुशबूदार होता है। इस नींबू में गोल नींबू से ज़्यादा स्मेल होता है। कई लोग तो इसे रूम फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कोई पौधे पे पप्पी कर रहा है, पर जरा आप भी ध्यान से देखो, ये कोई पप्पी नहीं किया है, बल्कि ये एक तरह का पौधा ही है जो कि हुकर लिप्स के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा पौधा है जो पत्थर जैसा दिखता है। इसे देखकर यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पौधा है और कौन सा पत्थर है, और इसीलिए इन्हें जीवित पत्थर कहा जाता है। ये देखने में बिल्कुल आपको पत्थर की तरह दिखेंगे, लेकिन उस पत्थरों के बीच में एक दरार होती है और उसी दरार से ये फूल निकलते हैं। अगर इन सब प्लांट के बारे में हमको ना मालूम हो तो हम तो यही सोचेंगे कि ये पत्थर ही है। इसे देख के आप ये मत समझ लेना कि ये किसी डॉल्स का आँख है। वाकई में जैसे लग रहा है किसी गुड़िया का बटन हो। हालांकि ये पूरा का पूरा पौधा जहरीला है। दिखने में जितना खूबसूरत उतना ही डेंजर। आमतौर पर जो फल होते हैं वो पेड़ों के टहनियों पे लगते हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका में एक ऐसा पेड़ है जिसके फल शाखाओं पर नहीं बल्कि पेड़ के तनों पर लगते हैं। यह अजीबोगरीब पौधा कैलिफोर्निया में पाया जाता है। मेरे को तो पौधा कम और भाला ज़्यादा प्रतीत होता है। इस पेड़ को तो देख के यही लगता है कि किसी आर्टिस्ट ने अपने कला का प्रदर्शन किया है, पर असल में ये कोई पेंटिंग नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा पेड़ आपने कभी देखा है क्या जो कि ग्रेविटी को भी मात दे देते हैं?